नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हरियाणा पंजाब सीमा पर जारी किसानों की दिल्ली कूच की जिद के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा से बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के कारण पहले से ही किले में तब्दील हो चुके हैं दिल्ली, जिसमें दाखिल होने के लिए आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद के चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने यह साफ किया कि किसानों की ओर से भारत बंद में व्यापारी शामिल नहीं होंगे और देश भर में सभी बाजार आम दिनों की तरह खुले हैं। बीते दिन हुए तीसरे दौर की किसान और सरकार की बैठक में कुछ अलग समाधान निकला नहीं। हालांकि किसान नेताओं ने यह कहा कि उनकी बात सुनी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि बात सुनी गई है, दोनों तरफ से नरमी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये मामला सुलझेगा कब? क्योंकि एक तरफ जहां किसान है वो दिल्ली कूच की तैयारी करे बैठे हैं और दिल्ली कूच की जिद उनकी है। उनका कहना यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलने दीजिए, लेकिन उनको दिल्ली कूच से रोका जा रहा है। लगातार सीमा पर उनको रोक दिया गया, उसके लिए वहां पर तैयारियां तमाम की गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। आंदोलन के चलते हरियाणा में रूट बदले गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, केएमपी से जाएं, कुंडली टिकरी बॉर्डर पर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आमतौर पर जनता को यहीं से आना जाना पड़ता है और ऐसे में लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो गई है। और देखिए, हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर का एक वीडियो भी जारी किया, जहाँ पर आपने देखा कि पथराव किया जा रहा था। आंदोलन के पहले दिन पुलिस टीम पर हुआ था पथराव। अब देखिए, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बातचीत अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि बातचीत का दौर लगातार जारी है और रविवार को एक बार फिर से बातचीत होगी, लेकिन इस बीच किसान भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके के बयान सामने आए। वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए, मांगे मनाना का सवाल तो बना सकते हैं। भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में MSP गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्वपार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है, सरकार ने प्रस्ताव दिया भी हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। तो देखिए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ संग्राम नजर आ रहा है। रेल रोको आंदोलन के तहत में रेल की पटरियों पर किसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत की पेशकश की जा रही है, यहां तक कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं किसान संगठनों की ओर से कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरे दिन भी तकरार लगातार जारी है। मुबाटर पर तो खासतौर पर देखिए, पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। किसानों सरकार की बातचीत जो रही वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो नजर आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री नजर आए, आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वहां पर नजर आ रहे हैं, अर्जुन मुंडा नजर आ रहे हैं, नित्यानंद राय वहां पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और इस बीच मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो मौजूद है। संजीव कौशिक जल्दी हमारे साथ में अभी जुड़ रहे हैं, बाकी के लोग जो हैं वो जल्दी जुड़ेंगे। संजीव कौशिक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हैं। संजीव कौशिक जी, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात यह है कि समाधान की ओर जब बढ़ रहे हैं, जो आज मांग की जा रही है, किसान भी जानते हैं कि अब उस अभी फिलहाल के मौके पर उसको पूरा कर पाना उतना संभव नहीं, लेकिन क्या इस वक्त पर इस तरह से अड़ना ये ठीक है? पूजा, आखिर किसान करे तो करे क्या? हमने देखा है कि पिछली बार जब किसानों ने आंदोलन किया तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 13 महीने तक किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान में चला। मुझे नहीं लगता कि आपने भी अपने जीवन काल में कभी सुना हो, देखा हो, या विश्व के किसी इतिहास में किसानों के इतने बड़े आंदोलन के बारे में आपने सुना हो। उसके बावजूद क्या क्या नहीं कहा गया, इसी किसान को बिचौलिए, दलाल भी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, वामपंथी, कांग्रेसी, सब कुछ कहा गया। और अंत में स्थिति ये थी कि तकरीबन 700 लोगों की शहादत दी किसानों ने, और देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ा और कहना पड़ा कि शायद हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई है और हम समझा नहीं पाए, हम कानून वापस लेते हैं। सवाल यह है कि कानून वापस लेने के समय कुछ वादे किए गए थे, 2 साल तक, 13 महीने के आंदोलन के बाद में 23 महीने से ज्यादा बीत गए, किसानों के उस वायदे का क्या हुआ? किसानों ने लंबे समय तक इंतजार किया कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी और कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी, लेकिन आखिरी सदन का ये सत्र सब जब समाप्त हुआ, किसानों के धैर्य का सीमा टूट गया और वो सड़कों पर आ गए। सवाल यह है कि जब आप उनसे वादा जो कर रहे थे या किए थे, आपके वादे जो किए थे, उन वादों पर आपने इससे पहले क्यों नहीं विचार किया, क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया और उसके बारे में क्या आपने निदान निकाला?
आज वार्ता हो रही है, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वार्ता ही हल है और वार्ता होती रहनी चाहिए। लेकिन किसान इस वार्ता के भरोसे यदि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए या वापस पूछ कर जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार गुंगी बहरी सरकार सुनने वाली है। सरकार तो अपने मद में इतना जवाब ले लेती हूं जल्दी से। मैथिल साहब, सवाल ये है कि जब आपने वादा किया कि एमएसपी पर गारंटी कानून देंगे तो फिर उसमें इतनी देरी क्यों हुई? और आज अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो उनको बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है, उनको खालिस्तानी, कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। मैथिल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये एक सवाल लगातार बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल कौशिक साहब ये बना हुआ है कि मांगे पूरी होंगी कैसे और क्या मांगों को मनवाने का ये तरीका सही है, क्योंकि आपने देखा कहीं से तस्वीर सामने, और क्या ये असल किसान है? ये एक बड़ा सवाल है जो आम जन के जहन में लगातार बना हुआ है। सवाल ये है कि अब या तो क्लियर हो जाए, अगर सरकार उनसे बातचीत कर रही है तो वो किसान है, और अगर वो किसान नहीं है तो उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं, और अगर वो किसान ही है तो फिर उन पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और पूजा जी देखिए, पहली बात एमएसपी के ऊपर गारंटी की जो हमने वादा किया है हम उसके ऊपर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विषय इतना आसान नहीं है। आप देखिए कि राज्यों को भी इसमें इन्वॉल्व करना आवश्यक है, उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी आपने धल्लेवाल जी का स्टेटमेंट देखा था, जिस प्रकार से इस किसान आंदोलन से अलग हटकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया हमें मोदी का ग्राफ जो है वो कम करना है, मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और अब उसको हम कम करेंगे, अगर कम करना है तो वो थोड़ा सा समय है, तो ये क्या दर्शाता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात कर रहे हैं कि किसानों के भले के लिए, तो 2014-15 से और आज 2024 आ गया, आप खुद आंकड़े बोल रहे हैं कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया।